जान है तो जहान है बस। शाम को होता है ये खाने वाला तो बंदी होने लगती है, कारोबार तो कभी आगे बढ़ जाएगा, जान जाएगी थोड़ी वापस। क्या बता, पहले तो बिजनेस देखेंगे ना। नाइट कर्फ्यू तो कोई फायदा है नहीं मेरी राय में। कोरोना काल तो चल रहा है, ऐसे में सभी के जीवन पे खासा असर पड़ा है। वही समय हम मौजूद हैं लखनऊ के चौक एरिया में, और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो डेली खाते डेली बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इनसे जानेंगे कि जो नाइट कर्फ्यू लगा दिया है सरकार ने, तो इनके रेस्टोरेंट पे कितना असर पड़ा है। तो आइए अंदर चलते हैं। रेस्टोरेंट पे क्या काम धंधा आई नहीं, बिल्कुल सब चौपट हुआ था। जैसे कि रात में ही आते हैं ज़्यादातर लोग रेस्टोरेंट में, जाते हैं खाने पीने, फैमिली जाती है, तो एक टाइमिंग हो गया है कि 9 बजे तक सिर्फ। तो क्या समय को लेके भी आपके असर पड़ा है? गवर्नमेंट अपने हिसाब से सही कर रही है, गलत कर रही है हम लोगों ने मालूम है। गवर्नमेंट अपने तरीके से सब सही कर रही है, कारोबार तो असर पड़ जाए लोग जिंदगी से खेलेगा नहीं ना। गवर्नमेंट उसका सही कर रही है, कारोबार तो कभी आगे बढ़ जाएगा, जान जाएगी थोड़ी वापस आएगी। अच्छा, तो आप गवर्नमेंट ने जो नाइट कर्फ्यू किया उसके आप समर्थन में हैं? बिल्कुल समर्थन में। अगर आगे भी, जैसे कि अभी तो कोरोना की स्थिति घट बढ़ रही है, अब बहुत सारे मतलब अभी सरकार ने कदम उठाए भी हैं, आगे अगर नाइट कर्फ्यू फिर मतलब कंटिन्यू होता है या फिर फुल लॉकडाउन लगता है, तो उसके समर्थन में कितना है आप? ये गवर्नमेंट जो करेगी सोच समझ के ही करेगी, वो जैसी पोजिशन देगी वैसे कदम उठाएगी। हम तो गवर्नमेंट के इशारे चलते हैं, हम लोग तो पढ़े लिखे MBA है, वो भी पढ़े क्वालिफाइड आदमी उसमें भी है, तो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, उसके लिए उनको बुरा करने को फायदा नहीं, थोड़ी जनता अपनी केयर करे थोड़ी गवर्नमेंट केयर करेगी। ये बताइए अंकल कि ये जो यहाँ पे पब्लिक कितनी आपके यहाँ डेली आती है, जैसे पहले आती थी वैसे ही की फिर? 10% भी नहीं है। फिलहाल असर तो पड़ा है, लेकिन क्या क्या है, बीमारी का सामना भी तो करना है, जो आया है वो देखना भी तो है। ऐसे में आप समर्थन में है कि नहीं? सरकार जो करेगी उसके साथ में तो वही है, सरकार के खिलाफ कहाँ हो सकते हैं हम लोग भाई, वो जो कहेगी ठीक करेगी, गलत कहाँ करेगी। हाँ सही, समर्थन में उसके साथ में। जैसे आगे अगर कर्फ्यू बढ़ता है, एक अभी तो खाली एक हफ्ते के लिए लगाया गया, अगर आगे बढ़ता है तो क्या आप समर्थन में हैं सरकार के? भाई रहेंगे समर्थन, जो सरकार करेगी उसके साथ में है हम लोग। जब कस्टमर ही नहीं होगा तो बंद खोल के क्या करेंगे? 9 बजे बंदी हो जाती, कस्टमर कहाँ पे है, नहीं है। सर खासा असर मतलब बहुत ज्यादा आपकी पहले इनकम में और आपकी इनकम में बहुत असर पड़ा है। कोई असर तो पड़ा, जब खाने वाला नहीं, असर तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, सिस्टम में आ जाएगा, जब खाने वाला ही नहीं देखिए तो खाली पड़ा है। और शाम को होता ये खाने वाला तो बंदी होने लगती है, उसी समय होता कस्टमर का सामना। अब सरकार से क्या, जो करेगी ठीक कर रही सरकार, हम उसके समर्थन में। जो है जान है तो जहान है बस। मांग नहीं है आपकी? कोई मांग नहीं है? कोई मांग नहीं, अगले साल ही बनता है, इस साल ही बंद हो जाए, ज्यादा अच्छा है। क्या सरकार के आप समर्थन में नहीं है? मैम समर्थन में है, बट क्या बता, पहले तो बिजनेस देखेंगे ना। जान रहेगी तभी तो बिजनेस साथ में चलेगा। मैम वो तो ठीक है, लेकिन अब सुरक्षा भी मैम जरूरी है ना। सिर्फ देखिए बिजनेस तो भी जरूरी है, पर सुरक्षा भी जरूरी ना, क्योंकि उसमें आप भी हैं, हम भी हैं, सभी लोग हैं, सब मिलके एक दूसरे के दिक्कतें समझेंगे और जो भी बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट होगा उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा ना, चाहे कोविड की हो चाहे अन्यथा कोई भी चीज़ की दिक्कत हमारे देश पे है और बाकी देशों पे भी चल रही है। बिल्कुल, जैसे कि जो सरकार ने एक टाइमिंग रख दी है कि रात में 9 बजे से 6 बजे तक, तो ज़्यादातर लोग बाहर जो निकलते हैं, फैमिलीज हो गई या फिर कोई भी हो गया, कि धूप देख के रात में ही मतलब रेस्टोरेंट जाना है, बाहर खाना है, और एक टाइमिंग है, तो टाइमिंग को लेके कितना असर पड़ा है? मैम टाइमिंग को लेके देखिए बहुत असर पड़ा है, क्योंकि बेसिकली जो कि आपका खाने का जो भी रेस्टोरेंट है वो आप कभी भी नोटिस करें तो उसका टाइमिंग ही होता था कि जैसे 9 से 12 या 9 से 10, 9 बजे के बाद ही आदमी निकलना ही चाहता था। अब कोई आदमी दाल चावल रोटी या पनीर की सब्जी नान जो है वो आपका 8 बजे तो खा नहीं लेगा ना भाई, उसका जायका कह लीजिए आप। और जो एक फैमिली के साथ एक आउटिंग हो जाती थी वो तो 9 बजे के बाद ही हो पाती थी, तो इसका मैम बहुत ही बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है।
पर साथ में सेफ्टी भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि उसमें हम भी हैं तो हमें अपनी सेफ्टी भी देखनी है, क्योंकि हमारे परिवार में भी लोग हैं, हमें उनको भी देखना है, हमारे जो वर्कर काम कर रहे हैं हमें उनको भी देख के सबको देख के चलना है। अगर सरकार आगे ये नाइट कर्फ्यू बढ़ाती है तो आपकी क्या राय इस पे? देखिए, नाइट कर्फ्यू मुझे ऐसा लग रहा है शायद सरकार इस पर सैटरडे संडे भी में भी सोचे कि वो सोचें कि हम बंद। लॉकडाउन तो मैम बहुत ही मुश्किल है, लॉकडाउन होना तो बहुत ही मुश्किल है। बाकी केसेस लखनऊ में आप देख ही रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के में सभी जगह देखते हुए, और उम्मीद करेंगे सरकार से कि जल्दी जल्दी सब चीज़ें अच्छे से आएँ, स्टेबल हो जाएँ, बस और तो कुछ नहीं। अभी आपने कहा ना कि सैटरडे संडे के बारे में सोचना चाहिए, तो इस पर क्या मतलब, फुली लॉकडाउन का सोचना चाहिए या फिर छूट देनी चाहिए? मैम जैसे कि आपने कुछ नहीं देखा, हमारे माननीय योगी जी ने भी खुद कहा है कि वायरस अब ये हवा में आने लगा है, तो अब सैटरडे संडे बंद करेंगे, सैनिटाइज करेंगे सारी मार्केट सब कुछ करेंगे, क्योंकि उस दिन बैंक भी बंद रहते हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफिस भी बंद रहते हैं, तो मे भी शायद वो सोचें इसके लिए, पर हम तो कहेंगे ना सोचे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अब कल से रमज़ान चालू हो रहे हैं, आज से नवरात्रि का पहला दिन है, कल रोडों में बड़ी चहल पहल दिख रही थी, आज तो वो भी नहीं है। नवरात्रि का पहला दिन है, लोग आपके यहाँ शॉप पे आए नहीं? कोई मैम नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। जो भी है हमारा ऑनलाइन बिजनेस स्विगी से है, बस उसी पे है, बाकी अभी तक तो कोई नवरात्रि का आया ही नहीं, जिसने नवरात्रि का कोई फेमस शॉप है राधेलाल जी। मैम फेमस ही सब कुछ नहीं मैटर करता ना मैम, अपनी सेफ्टी भी मैटर करती है, और आप बाहर जाने से अच्छा आदमी सोचता चलो घर ही पे खा ले, चाहे आप हो चाहे हम हो, तो हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ चलिए घर ही में खा लेते हैं, ना बाहर खाएं, क्योंकि अगर आगे बचे रहेंगे तो आगे बहुत खा लेंगे ना, ये चीज़ है ना। तो क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, योगी जी से क्या चाहते हैं? योगी जी से ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी हालात सुधरें, जो भी हो बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल जो हो पाए सबके लिए सोचें और सबके लिए करें। अंकल जी कितना असर पड़ा है नाइट कर्फ्यू का? फर्क बड़ा ही अच्छा खासा फर्क पड़ा है, पब्लिक आ रही है कि नहीं आ रही है? पब्लिक बहुत कम आ रही है, पहले जिस तरह चल रहा था उस तरह नहीं चल रहा है। ज़्यादातर पब्लिक रात में आती थी क्या? अब गर्मी में तो ज़्यादातर शाम की ही दुकानदारी थी, शाम को कर्फ्यू हो गया तो उससे गहक आ ही नहीं रहा है मार डर के, और जाड़े में तो दिन में चलती थी, गर्मी में रात की दुकानदारी थी, रात को कस्टमर ही नहीं है। ये जो नाइट कर्फ्यू सरकार ने कोविड को लेकर किया है तो आप उनके समर्थन में हैं कि नहीं? थोड़ा तो समर्थन में है भी थोड़ा नहीं भी, मगर अब सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी भी है वो, मतलब 50-50% है क्या? 50-50 हाँ, 50-50। अगर आगे सरकार लगाती है नाइट कर्फ्यू कंटिन्यू करती है तो इस पर क्या कहना है आपका? अब इस पर तो फिर वही सुरक्षा की दृष्टि से तो बिल्कुल सही है वैसे जो लगा रही है गवर्नमेंट, वो जरूरी भी है, क्योंकि आए दिन बहुत हादसे हो रहे हैं जगह जगह, हमारे गरीब मोहल्ले में बहुत हो रहे हैं, कोरोना के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं, इसका जरूरी भी है। ये बताइए आपके शॉप पे कितना पालन किया जा रहा है गाइडलाइन का? गाइडलाइन तो बराबर चल रही है, कस्टमर जो आता है मास्क पहने होता है उसी सौदा देते हैं, जो नहीं पहने उसको वापस कर देते हैं, जब उससे कहते हैं मास्क पहन के आओ तब देंगे। कस्टमर भी मतलब ऐसे आपको आ रहे हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, ज़्यादातर मास्क पहन के ही आते हैं, सैनिटाइज करके ही आते हैं। तो क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से? अब गवर्नमेंट से क्या कहते हैं, अब हम तो यही चाहते हैं कि भाई सब कुछ सही हो जाए, ज़्यादा सही है कोरोना से सभी के लिए सही रहे। अब और क्या, अब हम क्या बताएं और क्या। तो चलिए हम एक और शॉप में चलते हैं और उनसे जानते हैं कि कितना असर पड़ रहा है नाइट कर्फ्यू का और कितना समर्थन में है सरकार के, आइए बात करते हैं। कितना जैसे कि कोविड चल रहा है उसको लेके नाइट कर्फ्यू किया गया है तो कितना असर पड़ा है आपकी शॉप पे? मैम इसमें तो पूरा ही असर है, नाइट कर्फ्यू हो चाहे वैसे भी हो तो ये मान के चलिए काम बिल्कुल नहीं है, पब्लिक नहीं आ रही है, पब्लिक बिल्कुल नहीं चल रही है इस समय। अच्छा, वैसे समय को लेके असर पड़ा है? मैम वैसे तो मैं ये मानूंगा कि टाइम को लेकर के ज़्यादा असर है, क्योंकि शाम को नाइट कर्फ्यू से इस समय धूप का टाइम है, गर्मी का टाइम है, कस्टमर वैसे भी नहीं निकलेगा, शाम को ही निकलना और शाम को आता नहीं है, शाम को नाइट कर्फ्यू है, तो दोनों ही बातें हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो नाइट कर्फ्यू को मतलब ही लगता है,
कोई फायदा नहीं उससे। अच्छा, तो आप समर्थन में नहीं है सरकार के? कोई फायदा नहीं है, हमें लगता है कि नाइट कर्फ्यू से कोई फायदा होगा। अच्छा, नाइट में तो वैसे भी घर में सब लोग, मतलब क्या करना चाहिए सरकार को आपकी नज़र से कि नाइट कर्फ्यू हटा देना चाहिए? नाइट कर्फ्यू से कोई फायदा है नहीं मेरी राय में, मेरी जो अपनी पर्सनल सोच है कि हम तो नाइट में वैसे भी घर जाते ही हैं, और घर जाके 9 बजे हम घर पहुँचते हैं, 9 बजे वैसे भी शॉप क्लोज कर देते हैं जनरल, और घर चले गए तो वैसे भी नाइट में हमको घर पर ही रहना है। तो फिर आपकी सर, तो फिर आपकी जब आप रात में 9 बजे शॉप बंद ही कर देते हैं तो फिर कैसे असर पड़ा आपके आपके शॉप पे? हम शॉप क्लोज करते हैं ना, कि जो अब जो 9 बजे का होता है तो माइंड में प्रिपेयर होता है 7 बजे घर से निकलना, हमको भागना है, भागना भागना। कस्टमर को डर रहता है, हमको भी डर रहता है कि 7 बजे से भैया क्लोज करना चालू करो, तो 2 घंटे पहले से माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि हमको घर जाना है। अब 9 बजे का टाइम है, यहाँ पे 8 बजे शॉप क्लोज कर देनी पड़ती है हर हालत में। तो अगर सरकार, जैसे जो केसेस बढ़ रहे हैं तब भी सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है सबके लिए, तो कदम उठा रही है सख्ती किसी प्रकार की, आपको मैं बताऊँ, मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा अच्छा कदम है, क्योंकि अगर जो आपका नाइट कर्फ्यू है या कुछ भी है इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये कि वीकली करना चाहिए इनको, जो हिसाब से केसेस है चौक के अंदर लखनऊ के अंदर, अब आपको बताओ इस चौक के अंदर हम सबसे अच्छे खासे केसेस है, डर के बैठते हैं। वीकली क्या करना चाहिए? वीकली 2 दिन का लॉकडाउन करके देखें एक बार, सैटरडे संडे के दिन। बिल्कुल बिल्कुल करें। तो हमारे हमारे उससे क्या क्या लगता है, उससे कम से कम केसेस होंगे? पॉसिबिलिटी है, कोशिश तो करें ना, अभी तक तो आप कोशिश ही नहीं कर रहे, अभी तो आपने पब्लिक को छोड़ रखा है, पब्लिक फ्री है इस समय, डर तो आदमी के अंदर आएगा तभी 2 दिन का लॉकडाउन हुआ, फिर 1 हफ्ते का लॉकडाउन, कम से कम कुछ तो करिए। नहीं देखिए, उस बार जैसे पिछली अगर साल का आप पिछली साल का अगर लेंगे तो भी सरकार ने जो वीकली लॉकडाउन लगाया था पहले, तो भी आप देख रहे होंगे पब्लिक निकल रही थी, निकल रही थी, सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन हम लोग शॉपकीपर है, हम लोग यहाँ पे डर के बैठते हैं, अब लड़के बैठे हुए हैं, स्टाफ बैठा हुआ है, इतना डर लगता है कि शॉप में बैठते हैं कि कोरोना का कोई कस्टमर आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो हम बिल्कुल किनारों के बैठे, कस्टमर ले चाहे ना ले हमें कोई मतलब नहीं होता है, बिल्कुल डर के बैठे। अब हमारे जो और व्यापारी वर्ग है वो यही कह रहे हैं कि भैया लॉकडाउन कर दें, वरना हम अपनी तरफ से करने का विचार चल रहा है। अच्छा, आप पब्लिक, आप पूरा जो शॉपकीपर्स है, व्यापार मंडल, यही सोच रहा है कि शायद हम अपनी तरफ से कर दें, और देखिएगा हो सकता है 2-3 दिन आपको देखने को मिल जाए। तो आप लोग की ऐसी मीटिंग हुई है क्या? हमारी वैसे कोई मीटिंग नहीं, लेकिन हमारे जो व्यापार मंडल में जो सुनने में आया, तो जैसे हमारे यहाँ चौक के 2 व्यापार मंडल है, एक तो सराफा एसोसिएशन है, दूसरा चिकन गारमेंट्स है, इन दोनों को जो मेन है यहाँ पे, उन दोनों में सुना है हमने, पक्की खबर कुछ नहीं है, लेकिन बंदी की चांसेस है कि अगर सरकार नहीं करेगी तो हम अपनी तरफ से सेफ साइड होकर चलेंगे, बंद कर देंगे। वही है कि कहाँ तक रिस्क लेंगे, कैसे रिस्क लेंगे? तो फिर नहीं, तो तब तो फिर आपकी और भी दुकान पे असर पड़ेगा, अभी जब इतना पड़ रहा है, अभी तो ऐसा काम है, अभी भी वैसे भी काम नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहे, आप ये समझ लो खर्चा नहीं निकल रहा दुकान का, फायदा क्या, हम नुकसान में जा रहे हैं, दुकान खोल के भी हम नुकसान में, स्टाफ का खर्चा है, दुकान का खर्चा है, ये तो खर्चे ही नहीं निकल रहे, तो हम दुकान खोलने से मतलब नहीं है, तो फायदा ही नहीं है। अच्छा, आगे अगर सरकार ये कंटिन्यू करती है, मेरी जो एडवाइस है, नहीं आप एड्रेस दीजिएगा, लेकिन अगर आगे कंटिन्यू करती है नाइट कर्फ्यू, तो इसके कितने समर्थन में आप? नाइट कर्फ्यू तो आपको लगाना है, तो वैसे भी लगाया हुआ है, लेकिन नाइट कर्फ्यू से कोई फायदा आपको दिख ही नहीं रहा, अभी तो 19 तारीख तक लगा ना, अगर बढ़ाती है आगे तभी, हमें नहीं लगता कि कोई फायदा होगा अभी भाई, आपको अभी अभी रिजल्ट दिख ही रहा है, कोई फायदा हो रहा है कहीं से, कोरोना रुक रहा है कहीं नहीं रुक रहा, बल्कि और ज़्यादा बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा है, उसको रोक नहीं पा रहे, जब आप रोक ही नहीं पा रहे तो नाइट कर्फ्यू से क्या मतलब आपका भाई, जब आप ही ने सरकार कहती है हमें नाइट कर्फ्यू लगा दी कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा है, सारे रिजल्ट सामने है, तो आप कुछ और ऑप्शन सोचो ना, आप तो सोच ही नहीं रहो। अच्छा, तो आपकी नज़र में क्या करना चाहिए? हमारी नज़र में देखिए सिर्फ हमें सेफ्टी चाहिए, सीधी सी बात है, सेफ्टी सिर्फ ये है कि जो कोरोना इस समय ज़्यादा अति मतलब कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है, तो उसको तो कैसे रोकते हैं, तो अभी तो सरकार ज़्यादा बता सकती है, हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है कि वो हमको ये बताए कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है, हम तो सारी सेफ्टी लेके बैठ रहे हैं, फिलहाल वीकली करके देखें, हो सकता है उससे कुछ असर हो, जब आपका नाइट कर्फ्यू से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो उससे करके, अब आप इस समय गली गली में देखिए, हर गली के अंदर कोरोना है, चौक के अंदर, तो आपने भी देखा होगा, आप रिपोर्टर आपने देखा ही होगा, हर गली के अंदर बल्ली लगी है, कोरोना है हर घर में, कहीं ना कहीं कुछ बीमारी चली रही है। जैसे कि कोविड को देखते हुए नाइट कर्फ्यू सरकार ने लगाया है, तो आपकी दुकान पे कितना असर पड़ रहा है? सरकार ने जो कर्फ्यू 9 बजे का लगाया है वो हम लोगों के लिए 6:30-7 बजे का है, क्योंकि 6 बजे के बाद फिर कोई भी कस्टमर शॉप पे एंट्री नहीं करता है, सब लोगों तो इसमें जल्दी ये होती है कि वे जल्दी से जल्दी घर जाएं, वरना कर्फ्यू में कहीं फंस जाएंगे तो दिक्कत होगी, तो हम लोग के लिए तो कर्फ्यू समझिए आप 6 बजे से ही लगा हुआ है, और बाकी तो जो स्थिति है दिन में भी कर्फ्यू जैसी स्थिति है आप शॉप पे देख सकते हैं,
तो दिन में भी सब कर्फ्यू जैसी ही स्थिति है इस समय पर। तो जैसे गर्मी के दिन चल रहे हैं और ज़्यादातर लोग डिमांड करते हैं चिकन के कपड़ों की, तो क्या मतलब पहले के मुकाबले इस बार कम इनकम हो रही है आपकी कि वैसे ही है जैसे पहले थी? इनकम तो आप समझ लीजिए कि मतलब होली के बाद से समझिए बिल्कुल व्यापार एकदम बिल्कुल बैठ गए हम लोगों के। होली के पहले तक तो ये था कि लग रहा था कि हाँ भाई गर्मी आ रही है, मतलब सेल हो रही है, होलसेल में माल जा रहा है, रिटेल में बिक रहा है, ईद की तैयारी हो रही है, सब हो रहा था, लेकिन होली के बाद से एकदम डे बाई डे स्थिति खराब होती जा रही है। तो असर कहीं ना कहीं नाइट कर्फ्यू का आपकी शॉप पे पड़ा है? नाइट कर्फ्यू का क्या मतलब, कल ये कोरोना का असर है, नाइट कर्फ्यू तो भाई कोरोना की ही देन है, तो कर्फ्यू से नहीं मतलब कोरोना का असर कह सकते हैं। अपने से समझ रही है कि उससे कुछ फायदा है या कुछ हो सकता है तो भाई कर देने में कोई बुराई नहीं है। लोग फालतू जो लोग बहुत घूमते करते हैं उस पर तो काफी हद तक अंकुश लग ही सकता है उस चीज से। तो अगर नाइट कर्फ्यू के साथ साथ लॉकडाउन लगाती है सरकार आगे, तो इसके लिए क्या कहना है आपका, समर्थन करेंगे नहीं? जिस स्थिति में कोरोना बढ़ रहा है उस स्थिति में लॉकडाउन तो होने ही चाहिए, चाहे भले ही एकदम से महीनों का ना लगा करके ऐसा कर सकते हैं कि भाई जैसे 5-6 दिन का लगाया फिर खोला फिर कुछ दिन स्थिति देख के लगाया, ऐसा तो करना ही चाहिए कम से कम। तो जैसा कि आपने देखा कि ये हो गई कपड़ों की बात, हम यहाँ पे शॉप पर आए हुए थे, पहले हमने रेस्टोरेंट की बात बताई आपको कि जो कोरोना चल रहा है उसकी वजह से नाइट कर्फ्यू सरकार ने लगाया, तो कितना असर उनकी शॉप पे पड़ा है, पब्लिक नहीं आ रही है, लोगों ने बताया कि खासा असर पड़ा है, जो उनकी इनकम थी 80% वो अब सिर्फ 20% ही रह गई है, और पब्लिक ना तो शॉप पर जा रही है ख़रीदारी के लिए और ना ही रेस्टोरेंट जा रही है। तो जो नाइट कर्फ्यू सरकार ने लगाया है वो उसके समर्थन में भी हैं, और कुछ लोग 50-50% समर्थन में हैं, और कुछ लोग इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू नहीं लगाना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ मनु तिवारी, विद्रोही आनंद, लखनऊ। हर खबर पर होगी आपकी पकड़, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।